हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई वेलकम यू टू क्लासेस आज हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट प्लेनेट नेपच्यून के बारे में जो कि एक विंडस प्लेनेट है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हवा जो है बहुत तेज चलती है ठीक है नाव ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लेनेट है एट प्लेनेट है और सन से इसकी दूरी अगर बात करें डिस्टेंस तो इट इज फोर बिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन यानी कि काफी काफी दूर है हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लानट है ओके okay? नाव इसको टाइम कितना लगता है अपना एक दिन और रात पूरा करने में या आप कह सकते हैं एक नेपच्यून नेपच्यूनियन डे पूरा करने में तो It takes sixteen hours for one rotation, one complete rotation. Now, how much it टेक्स फॉर वन रिवोल्यूशन अगर ये सन को ऑर्बिट करता है सन के चारों तरफ जो घूमता है उसमें कितना टाइम लगता है इट टेक्स 165 हंड्रेड ईयर्स यानी कि एक अर्थ ईयर में 365 डेज होते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ये करीब करीब सिक्सटी थाउजेंड डेज नंबर ऑफ डेज आएंगे अगर बात करें इसके रिवोल्यूशन uh, की ठीक है नाउ इसके भी रिंग्स है इसमें भी रिंग्स हमने देखा सेटन के भी रिंग्स है और यूरिनस uh, के भी रिंग्स है तो इनके भी रिंग्स है ठीक है इसके फाइव बहुत ही रिंग्स

आप ये जो विंड है इनकी स्पीड अगर आप कंपेयर आप करना चाहें तो आप देख सकते हैं इट फ्लोज एट स्पीड ऑफ़ व्हाट 2000 किलोमीटर पर आर एक घंटे में 2000 किलोमीटर के स्पीड से यहाँ पे हवाएं चलती है जबकि हमारे अर्थ में कंपेयर करें तो सिर्फ हार्डली जो यहां हवाएं चलती है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी है फोर किलोमीटर पर आर की स्पीड से ओके okay? नाउ ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसको हम अर्थ से नेकेड आई से नहीं देख सकते इसके लिए हमें हैवी टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी ठीक है नाउ ये जो ये नेपच्यून को जब ढूंढा गया था देखिए नेपच्यून को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ढूंढा गया था कैलकुलेशन मतलब ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था ऐसा सोचा गया था ऐसा समझा गया था ऐसा अनुमान लगाया गया था कि यहां एक प्लान हो सकता है ठीक है तो इसको इसकी जो प्रेडिक्शन की थी वो किसने की थी अर्बेन ली वेरियर ने और जोहैन गेल ने बाद में इसको डिस्कवर्ड किया इस प्लैनेट को एटीन में किसने जोहैन गेल ने ठीक है नाउ अब इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसकी इन्वेंशन हुई है यानी कि इसको इन्वेंट जो किया था, एक तरह से डिस्कवर जो खोज निकाला गया इसको 1846 में 1846 के बाद जब से इसको खोजा गया तब से इसने अपना एक साल जो कंप्लीट किया वन नेपचूनियन ईयर जो कंप्लीट किया है वो अभी अभी टू साल पहले लगभग Uh, 2011 में कंप्लीट किया तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लान है जिसने अपनी डिस्कवरी के बाद पहला ऑर्बिट पहला अपना जो ईयर है वो कंप्लीट किया है 2011 में तो इट इज नेपच्यून ठीक है नाउ इंटरेस्टिंग आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर्स ये एक्चुअल पिक्चर्स है नेपच्यून की देखिए कलर देखिए यहाँ पे बिल्कुल प्रोमिनेट ब्लू कलर है ज्यादा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अलग अलग कलर हमें दिख रहे हैं अलग अलग फेस से पिक्चर फोटोग्राफ्स ली गई है लेकिन जो ब्लू कलर है वो इसलिए है क्योंकि बाकी कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू को रिफ्लेक्ट uh, कर देता है ठीक है ना यहाँ जो रिंग्स है ये भी आप देख सकते हैं ये 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 जो नेपच्यून के रिंग्स है ओके ना बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट्स की तो क्या इसके कुछ मून्स है अफकोर्स इसके 14 मून्स हैं ठीक है थीके? और इसमें से जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है ट्राइटन ठीक है और इसको स्पॉट कब किया गया था 1846 में इसके सबसे बड़े मून ट्राइटन को ढूंढा गया था ठीक है जस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द प्लैनेट यानी कि नेपच्यून को ढूंढने के सिर्फ सत्रह दिन के बाद इसके सबसे बड़े मून को ट्राइटन को भी ढूंढ लिया गया था ठीक है इसके बाद जो फेमस डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर काइपर एस्ट्रोनोम आपको मालूम है काइपर बेल्ट इन्हीं के नाम से uh, दिया गया है ठीक है तो इन्होंने जो है इसका थर्ड लार्जेस्ट मून नेरिड को नाइनटीन में डिस्कवर किया देखिए फर्स्ट ट्राइटन था और थर्ड नरिड था तो सेकेंड कहा गया देखिए सेकेंड जो था वो प्रोटेस्ट था लेकिन प्रोटेस्ट मून जो सेकंड लार्जेस्ट था लेकिन एक्चुअली मिस हो गया था क्योंकि प्रोटेस्ट की जो लोकेशन थी जहां पे ये सिचुएटेड है, है वो थोड़ा डार्क एरिया में है मतलब यहां तक लाइट नहीं पहुंच रही थी या उसको जो है देखा नहीं आ, मतलब देख नहीं पा रहे थे ठीक है तो इसीलिए प्रोटेस्ट छूट गया था ठीक है क्योंकि उस टाइम बहुत हैवी टेलीस्कोप नहीं थे और इसकी जो पोजिशन थी वो काफी डार्क एरिया में थी ठीक है तो प्रोटेस और बाकी जो मून है उसको कुछ सालों का वेट करना पड़ा अपने डिस्कवरी के लिए और वॉयजर टू आपको मालूम है वॉयजर टू ने इनको ढूंढ निकाला था ठीक है और इस तरह से सारे मून धीरे धीरे करके डिस्कवर कर लिए गए ठीक है नाउ ट्राइटन में जो है ये यह यहाँ पे आपको आइस वॉल्किनो मिलेंगे ठीक है आइस यानी बर्फ के वॉल्किनोज ठीक है और क्योंकि क्यों क्योंकि ये बहुत दूर है ट्राइटन क्योंकि ने, नेप भी सन से काफी दूर है तो उसके मून भी ऑब्वियसली दूर होंगे तो ये आइस के वॉल्किनो है और ये किससे बने हैं लिक्विड नाइट्रोजन मीथेन एंड डस्ट और ये बहुत ही फ्रीज हो जाते हैं जम जाते हैं ठीक है और स्नो और सरफेस में गिर जाते हैं तो बिल्कुल ही आप इसको कह सकते हैं आइस से बना हुआ एक प्लेनेटिक आइस जॉइंट है ठीक है हाँ? उतना ही देख पाते हैं जो थोड़ी बहुत सनलाइट टाइटन पे जब पड़ती है तभी इसका थोड़ा बहुत हम देख पाते हैं ये कैसा है किस चीज का बना हुआ है ठीक है और ये टाइटन वन ऑफ द कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कुछ जो ठंडी जगह है उनमें टाइटन भी एक है यहाँ पे टेम्परेचर माइनस डिग्री सेल्सियस चला जाता है ठीक है एक और खास बात ट्राइटन की यह है कि कई लोग टाइटन और ट्राइटन में कंफ्यूज कर लेते हैं नो no, टाइटन जो है आपको मालूम है सैटन का सबसे बड़ा मून है और ट्राइटन नेपच्यून का है ठीक है तो ट्राइटन की एक और खास बात यह भी है कि ये अपना जो प्लानट है इसका जो प्लानट है नेपच्यून इसको अपोजिट साइड से दूसरी तरफ से ऑर्बिट करता है यानी कि नेपच्यून जो है सन को जिस तरफ से ऑर्बिट करता है सन के जिस साइड से घूमता है ट्राइटन ये उल्टी साइड से नेपच्यून के चारों तरफ घूमता है ठीक है इतना आपको यानी रोड अलग है ठीक है नाउ अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे जो मून है नैरिड ये बहुत ही खास है देखिए नैरिड एक ऐसा इसका मून है जो बहुत सबसे दूर का प्लेनेट है थर्ड लार्जेस्ट तो है लेकिन नेपच्यून का सबसे दूर का आप कह सकते हैं मून है द फार्देस्ट मून ऑफ नेपच्यून ओके और ये कितना है ऑलमोस्ट सेवन टाइम्स एज फार फ्रॉम द नेपच्यून इसकी जो ऑर्बिट है लास्ट ये कहां तक चला जाता है सेवन टाइम्स दूर हो जाता है नेपच्यून से ठीक है इतनी दूर चला जाता है तो नेरिट के बाद में यही खास बात है कि इसका जो ऑर्बिट है वो काफी दूर तक चला जाता है और कभी कभी तो ये भी एस्ट्रोनोमर देख रहे हैं जो रिसर्चर है, वो रिसर्च कर रहे हैं कि शायद नेरिड इतनी दूर चला गया है ये कि ये काइपर बेल्ट का ऑब्जेक्ट हो सकता है आपको मालूम है नेपच्यून के बाद अब हम काइपर बेल्ट आता है ठीक है तो कहा जाता है कि नेरिड इतना दूर है शायद ये काइपर बेल्ट का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है तो आई यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं ये ट्राइटन की एक्चुअल फोटो है और ये प्रोटेस्ट की एक्चुअल फोटो है ठीक है ना आई होप कि आपको नेपच्यून के बारे में एनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अब हम इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे काइपर बेल्ट थैंक यू